स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित स्मृति नगर में एक बार पुनः चुनाव होने जा रहा है और इस बार नव निर्माण पैनल पूर्व में किए गए कार्यों को लेकर सभी सदस्यों के घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहा है। स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित स्मृति नगर में एक बार पुनः संस्था का नेतृत्व करने के लिए चुनाव 11 दिसंबर को किया जाना है, जिसमें पूर्व में किए गए कार्यों को लेकर नव निर्माण पैनल अपने अध्यक्ष राजीव चौबे के साथ घर घर जाकर सदस्यों से संपर्क कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि इस पैनल ने पूर्व में अपने सदस्यों के लिए और अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। नव निर्माण पैनल को समिति के सभी सदस्यों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और सदस्य भी जानते हैं कि यही एक पैनल है जिसके सभी पदाधिकारी क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस पैनल ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूर्व में काफी लड़ाइयां लड़ी हैं और कई बार इन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा है, परंतु इनकी कार्यनिष्ठा और कर्मठता आज भी सदस्यों के दिलों में छाप छोड़े हुए है और यही कारण है कि घर घर संपर्क करने पर इन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। अध्यक्ष पद पर आसीन होने वाले राजीव चौबे ने इस बार चुनाव में अपने विरोधी पैनल के सदस्यों पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं और इस चुनाव में अपनी जीत को तय बताया है। तीसरा चुनाव हमारा है, चौथा चुनाव है और आज तक हमने कोई भी हवा हवाई वायदे जनता के सामने नहीं किए। धरातल पर रह के हम अपना संकल्प पत्र, घोषणा पत्र नहीं होता हमारा संकल्प, और हम संकल्पित होते हैं। सबसे पहले तो दोहरे कर भार से मुक्ति दिलाना है। स्मृति नगर के जो सदस्य हैं मेरे, वो संस्था को मेंटेनेंस का पैसा देते हैं और नगर निगम इनसे यूज़र चार्ज लेता है, जबकि नगर निगम यहाँ साफ़ सफाई या किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता। इसके लिए मैंने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में एक रिट लगा के रखी हुई है और हमारी लड़ाई चल रही है नगर निगम के साथ। ये बड़ी स्पष्ट बात है, हमारे पार्षद पूर्णतः निष्क्रिय हैं और अभी इस बार अपने पार्षद जो हैं, एक साल हो गए उनको यहाँ बने हुए, स्मृति नगर के रहवासी हैं, एक पैसे की उपलब्धि नहीं है। उसके बाद अब अपने पिताजी को वो स्मृति नगर सोसाइटी का चुनाव लड़वा रहा है, एक बेटा अपने बाप को चुनाव लड़वा रहा है। ये एक नई परंपरा, एक नई रिवाज का चालू हुआ है हमारे स्मृति नगर में। अपनी खुद की उपलब्धि सुने, यदि वो चाहते तो नगर निगम में दबाव पूर्वक इस विधिवत कार्य को करवा सकते थे। जो निगम हमको सेवाएं नहीं देता, वो सेवा का कर, संपत्ति कर तो हम देते हैं, वर्षों से देते आ रहे हैं हमारे सदस्य, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यूजर चार्ज तभी लिया जा सकता है जब आप वो सेवाएं उनको देते हैं। तो इस प्रकार की सेवा नहीं दे रहे हैं और नगर निगम हमसे पैसा ले रहा है, तो उसके विरुद्ध हमारी लड़ाई है। संस्था काम कर रही है इसलिए पैसा ले रही है, या तो नगर निगम काम करे संस्था पैसा लेना बंद कर देगी, या संस्था यदि काम कर रही है पैसा ले रही है तो नगर निगम पैसा लेना बंद करे। इस मुद्दे को लेकर हम कोर्ट में हैं, कोर्ट के थ्रू न्यायालय के माध्यम से हम इसका हल निकालेंगे। इसके बाद हमारे जो सीवरेज लाइन है काफ़ी पुरानी हो चुकी है स्मृति नगर की, इसको अपग्रेड करने के लिए हम काफ़ी दिनों से संघर्षरत है। एक बड़ी सफलता हमको मिली है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था, पत्र लिखा था, व्यक्तिगत रूप से मिला था। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से नगर निगम भिलाई को पत्र आ गया है और उनको कहा गया है कि मेरे पत्र पर नियमानुसार कार्रवाई करके उनको सूचित किया जाए। तो इस तरह नगर निगम जो है वो प्रोजेक्ट बनाने में लगा हुआ है और बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा और राज्य शासन से हमको स्वीकृति मिलेगी। तो पूरे स्मृति नगर का सीवरेज जो अपग्रेड होगा उसमें 14 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है, जिसकी स्वीकृति शासन से हमको मिलेगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही निर्देश दे दिया। बड़ी उपलब्धि है, 1,03,00,000 का प्रस्ताव हाल में ही एक वर्ष के भीतर हमारे संस्था के प्रयास से और महापौर नीरज पाल जी के उदार रवैये से हमको नगर निगम ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। वो है सीसी पेवर बिछाने का, पेवर ब्लॉक्स का 33,00,000 का, ओपन जिम का 15,00,000 का और 70,00,000 रुपए सीसी रोड के लिए। नगर पालिक निगम भिलाई ने स्मृति नगर में इन सब कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है, तो इनको करवाना है, हमारी प्राथमिकता है। इन सब कार्यों के अतिरिक्त और जो छोटे छोटे हमारे काम जो बचे हुए हैं, महिलाओं के लिए सामाजिक गतिविधियों के लिए एक अलग भवन बनाना है, सर्व सुविधाएं एक मल्टीपर्पस हॉल हमारा बनाने का पहले से प्रोजेक्ट है जिसका नक्शा बना हुआ है, ड्राइंग बन के बिल्डिंग परमिशन के लिए सबमिट हो चुकी है, 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, जो ऋण के माध्यम से बनाया जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए हमारे पास आज की डेट में एक ट्रैक्टर ट्रॉली है, एक 2 ऑटो है जो जैक वाले, उनके अलावा 2 ऑटो और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और हम क्रय करेंगे और स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए टेबल टेनिस का एक हॉल का निर्माण करना है और एक राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल ग्राउंड का निर्माण करना है। एक व्यवस्था हमने जो तत्काल नहीं की है वो ये है कि आने वाले समय में कुछ सब्जी उत्पादकों से हमारी बात हुई है। सब्जी का देखिए एक सीधा सीधा एक फंडा ये है कि जो उत्पादक है वो जिस दर पर सब्जी बेचता है उससे 5 गुना ज़्यादा कीमत में एंड यूज़र को मिलती है। तो हमारी बात उत्पादकों से हुई है, आसपास के जो बाड़ी वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स, लेकिन
प्रतिदिन लिमिटेड 8-10 के मात्रा में अलग अलग प्रकार की सब्जियां बाजार मूल्य से आधे दर में हम अपने सदस्यों के लिए उपलब्ध कराएंगे। एक सर्विस का एक हमारा एक वो है कि अधिकतर बुजुर्ग और महिलाएं स्मृति नगर में, उनके पास छोटी छोटी चीज़ों के लिए सेवाओं का अभाव होता है, दवाई लेने जाना है या राशन लेने जाना है या इस प्रकार के आसपास की जो छोटी छोटी शॉपिंग्स हैं इनको करवाने के लिए हमारे पास ऐसी एक व्यवस्था रहेगी कि उस नेटवर्क के माध्यम से, उस ऐप के माध्यम से वो सिर्फ संस्था को सूचित करेंगे कि फलाना दुकान से हमको फलाना सामान ला के देना है, बिलिंग उनके नाम से होगी और हमारा आदमी सामान लेकर पहुँचाएगा। ये हमारी जो प्राथमिक अर्हता है। नगर पालिक निगम भिलाई से पानी को लेकर हमारा करार हुआ था 2008 में। उस समय संस्था में निर्वाचित संचालक मंडल नहीं था और शासकीय अधिकारी पीठासीन यहाँ पर बैठे हुए थे। संचालक मंडल को भंग कर दिया गया था कुछ असंतुष्ट सदस्यों के चलते। तो जिस समय पानी को देने की बात चल रही थी, जब संचालक मंडल था उस समय मैं तत्कालीन महापौर विद्यारतन भसीन जी से, हमारे तत्कालीन विधायक हेमचंद यादव थे, जो वैशाली नगर विधानसभा नहीं बनी थी वो जल संसाधन मंत्री भी थे, और उसके अलावा प्रेम प्रकाश पांडे जी उस तत्कालीन थे, उनसे चर्चा की थी। स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था ने 2 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन, आप देखेंगे ये पीछे स्मृति नगर में सड़क 3 में पानी की टंकी बनाने के लिए नगर निगम को निःशुल्क दी। 2 एकड़ जमीन, करोड़ों रुपए की जमीन हमने उनको निःशुल्क दी। उसके बाद निगम ने जब कहा कि हम पानी आपके यहाँ घर तक नहीं पहुँचाएंगे क्योंकि आपकी लाइन बिछी हुई है, हमारी पहले से पानी टंकी बनी हुई थी, हमारी पाइपलाइन बिछी हुई थी, तो हाँ आपके सम तक हम पानी छोड़ देंगे और जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना होगा, वितरण आपको करना होगा। उस स्थिति में मैंने कहा था कि यदि आप बाकी जगह घर तक पानी पहुंचा के 60 रुपये प्रति कनेक्शन प्रति माह समय जो जल कर की दर थी, तो मेरा निवेदन लिखित में था और उसकी रिसिप्ट मेरे पास रखी हुई है कि यदि आप बाकी जगह 60 रुपये लेते हैं तो स्मृति नगर से 30 रुपये लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जितना डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंसेस है वो हमारा है। ये बातें परिपक्व हो पाती उसके पहले हमारे बोर्ड को भंग कर दिया गया और ऑफिसर इंचार्ज बैठ गए। ये हमारे संस्था का, स्मृति नगर का दुर्भाग्य रहा कि शासकीय अधिकारी ने नगर पालिक निगम भिलाई के साथ जल वितरण को लेकर समझौता किया, उस अनुबंध को करने से पहले वो यहाँ के धरातल से वाकिफ नहीं थे, वस्तु स्थिति को जानते नहीं थे, इसलिए 60 रुपये प्रति कनेक्शन प्रति माह में सम तक पानी छोड़ने का करार हुआ। कुछ ही महीनों पश्चात मैं न्यायालयीन आदेश के साथ पुनः अध्यक्ष पद संभाला मैंने, और उसके बाद तत्काल फिर उनसे चर्चा की, सारे लोगों से जिनसे पहले चर्चा हुई थी, और फिर लिखित में दिया निगम आयोग को कि निर्वाचित संचालक मंडल के अभाव में पीठासीन अधिकारी द्वारा गलत अनुबंध किया गया है और आप इसका पुनर्विचार करें और उसके बाद नया अनुबंध किया जाए संस्था के साथ। पिछले 10 साल से हम लड़ते रहे, नगर निगम ने ध्यान नहीं दिया और हम पैसा पटाते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज नगर निगम जो पानी हमारे सम्प में छोड़ देता है वो पानी हमको पूरा होता नहीं है। 5 बोर मेरे चलते हैं, बोर का पानी उसमें डाला जाता है तो उसका जो बिजली का व्यय है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंसेस है, पाइपलाइन हमारी है, पाइपलाइन का मेंटेनेंस है, 2 ऑपरेटर हैं, 2 प्लम्बर हैं, 4 लोगों की तनख्वाह और बिजली बिल, एक एक पैसे का हिसाब मेरे पास है। आज मैं अपने सदस्यों के पास जा रहा हूँ और घर घर जाके उनको ये हिसाब दे रहा हूँ, एक एक पैसे का पानी का हिसाब इन 2 चार्टों में बना हुआ है। नगर निगम से जब हम 10 साल तक लड़े और नगर निगम नहीं माना, तब हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक वाद दायर किया 2019 में, ये उस वाद की कॉपी है, और हमारा कहना बड़ा स्पष्ट है कि 100 रुपये जब संस्था व्यय कर रही है तो नगर निगम को हम 100 रुपये ही देंगे, या तो फिर नगर निगम घर तक पानी पहुंचा और 200 रुपये ले, हमको कोई आपत्ति नहीं है। पानी यदि नेहरू नगर में आप घर तक पानी पहुंचा के 200 रुपये ले रहे हो तो स्मृति नगर में भी घर तक पानी पहुंचा के 200 रुपये लीजिए। और इस विवाद के चलते, इस न्यायालयीन प्रकरण के चलते हमने पैसा देना रोका, बंद नहीं किया, उस की स्पीड को कम किया और पैसे के वॉल्यूम को कम किया, और हम पैसा उतना ही दे रहे हैं जो सैद्धांतिक रूप से बनता है पर कनेक्शन पर मंथ 100 रुपये के हिसाब से, जब से 200 रुपये की दर हुई है और जब से 60 रुपये की दर थी तब उस समय 30 रुपये प्रति कनेक्शन प्रति माह की दर से कैलकुलेट करके जितनी राशि आज दिनांक होनी चाहिए नगर निगम को, उससे 2 लाख रुपये अतिरिक्त का भुगतान निगम को किया जा चुका है। अभी 30 लाख रुपये का भुगतान मैंने नवंबर माह में नगर निगम को किया है। तो इस तरह की अनर्गल बात जो कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, सुरेश अग्रवाल जी हमारे पार्षद के पिताजी हैं, 32,000 रुपये से ऊपर का उनका बकाया है पानी का, जब इनको नोटिस जाती है तो उस नोटिस पे ही लिख कर जवाब देते हैं कि मैं नगर, आप मेंटेनेंस नहीं करते इसलिए मेंटेनेंस का पैसा नहीं दूंगा, और नगर निगम को आपने इतने दिनों का पैसा नहीं दिया इसलिए मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। सवाल यह है कि जब सदस्य पैसा देगा तब संस्था नगर निगम को पैसा देगी। यदि हर सदस्य कहने लग जाए कि मैं पैसा नहीं दूंगा, 40,000 रुपये यदि सुरेश अग्रवाल का, मुकेश अग्रवाल पार्षद का बकाया है, अगर ऐसे 100 निकल गए तो 40 लाख हो जाएगा।
10 निकल गए तो 4 लाख होता है, उसके बावजूद संस्था को जितना भुगतान आज तक किया जाना चाहिए था उससे 2 लाख रुपए ज़्यादा का भुगतान संस्था ने किया हुआ है। एक एक पैसे का हिसाब मेरे पास है। जो सदस्यों से पैसा प्राप्त हुआ है जलकर को लेकर, उसमें से एक भी पैसे का इधर उधर नहीं हुआ है। फिलहाल यथास्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि नवनिर्माण पैनल पूरी तरह से अपनी कामयाबी इस चुनाव में दर्ज करेगी और एक बार पुनः स्मृति नगर वासियों को विकास देखने को मिलेगा और उनकी कुछ समस्याएं जो अब बढ़ने लगी हैं वह भी समाप्त हो जाएंगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।